हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। इससे पहले हमने जो वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, उसमें उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था। तीन ऑब्जेक्टिव हम उसमें कंप्लीट कर चुके थे। द फोर्थ इज नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग इट या बिफोर टेलिंग द नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। आयुर्वेदा में रिसर्च की जरूरत क्यों है? जैसे आयुर्वेदा में कहा गया है आप्त पुरुष, जैसे ही अगर आप देखेंगे आप्त उपदेश जो कहा गया है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्तः तपो ज्ञान बलिनी ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञान अव्याहतम सदा आप्तः शिष्टा विबुद्धास्ते तेसाम वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षंती ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा। मीन्स आप तो पुरुष हैं जो शिष्ट या जिनको विबुद्ध बोला जाता है, वो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, ठीक है। उनको तीनों कालों का ज्ञान है, उनका ज्ञान जो है वो अच्छा है। तो उन्होंने जो कह दिया वो उनके वाक्य बिल्कुल सच है, उनपे हमें डाउट नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने किसी भी व्याधि के लिए, जैसे अगर हम बात करें गृहिणी में, उन्होंने बोला गृहिणी में चित्रक आदि बट्टी के लिए बोला है, चित्रक आदि बट्टी के लिए वो बोल के गए, यानी तो आप तो पुरुष का ही वाक्य है ना ये, तो आपको इसको फिर से क्यों रिसर्च करना है उसके ऊपर। इस मेडिसिन को हम करके देखते ना एक्सपेरिमेंट की, जैसे हम जो भी रिसर्च क्वेश्चन लेंगे कि वेदर द चित्रक आदि बट्टी इज बेनिफिशियल इन गृहिणी पेशेंट और नॉट, तो ये करके ही क्यों देखना है? जब आप पुरुषों ने उसको कह दिया, उन्होंने डेफिनेशन बोली है ना आप तो पुरुष की, तो ऐसा क्यों करना है आपको? या फिर आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने भी बोला अमीमांसा अचिंत्य, मीन्स तर्क देना ही नहीं है या फिर चिंता करनी नहीं। जो आप तो पुरुषों ने एक बार कह दिया उसमें कोई तर्क नहीं आप दोगे, कोई क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते, उसके बारे में चिंता ही नहीं करना, तो फिर आप रिसर्च कर क्यों रहे हो आयुर्वेदा में, ठीक है। तो ये थोड़ी जो क्वेश्चनिंग है या क्वेरीज आपके मन में होनी चाहिए। अब इनका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, व्हाई वी नीड रिसर्च इन आयुर्वेदा। जहां पे ये सब बताया गया आप तो पुरुष के बारे में, हमने चरक या सुश्रुत का जो रेफरेंस बताया, आपने ऑब्जर्व किया होगा इन्हीं संहिताओं में कहीं कहीं ऐसी भी चीजें बताई गई, जैसे आचार्य चरक हैं जो उन्होंने जहां पे महाकषायों का वर्णन किया है वहां पे बता दिए कि 50 महाकषाय हैं आपके और 500 कषायों का वर्णन किया, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे जो जीवनीय ड्रग्स बताई या शुक्र शोधन स्तन्य जनन स्तन्य शोधन जो बताई है, सिर्फ वही 10 ड्रग हैं जो वो काम करेंगी, और कोई ड्रग स्तन्य शोधन या स्तन्य जनन का काम कर ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं होता। तो आचार्य चरक ने वहां पे मेंशन किया है कि जो उन्होंने बताया ये लक्षण उदाहरण वच्च बताया है, और जो मंद बुद्धि है उनके व्यवहार आए, मंद बुद्धि वाले उनको व्यवहार में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो अच्छे हैं बुद्धिमान है उनके लिए जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पर है, मतलब उनको एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे स्तन्य जनन ये ड्रग करती हैं, तो इन गुणों वाली जो अन्य ड्रग होंगी, जो अलग जो भी ड्रग है, जैसे स्तन्य जनन जो महाकषाय है वहां पे शतावरी का वर्णन ही नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है स्तन्य जनन में शतावरी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो ये जो बुद्धिमान है उनके लिए क्या एक उदाहरण की फॉर्म में बताया गया, जस्ट एन एग्जाम्पल है, वो अपनी बुद्धि से इस चीज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। या फिर आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मने, जो शास्त्र है जो आप पढ़ते हो, जैसे बोला आप तो उपदेश जो आप तो पुरुषों ने कह दिया, हमारी जितनी भी संहिताएं हैं वो आप तो उपदेश ही है एक तरीके से, तो उन्होंने बोला शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम, शास्त्र आपको सिर्फ ज्योति प्रोवाइड कर रहा है, दर्शनम बुद्धिर आत्मन है, जो आपकी बुद्धि है वो आपका पाथ है, उसको आप पे चल, सिर्फ शास्त्र आपको लाइट प्रोवाइड करेगा, आपकी बुद्धि से सोचना अपने है करना अपने होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी जो है वो रेफरेंसेस मिलते हैं संहिताओं में, जैसे आचार्य सुश्रुत है उन्होंने भी बोला यंत्र का वर्णन कर दिया, एक से एक यंत्र बताया, उन्होंने बोला स्वबुद्धि से आप और भी डेवलप कर सकते हैं ये यंत्र हैं, तो ठीक है। तो ये ऐसे रेफरेंस होने के साथ साथ इन चीजों का भी वर्णन है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो द नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, क्यों है नीड रिसर्च की? टू वैलिडेट द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न टूल्स। अब हम
आयुर्वेदा से रिलेटेड है पर्सन तो हम मानते हैं उनकी बात को, लेकिन जो नॉर्मल है या जो दूसरे लोग हैं जिनको हमें अपनी पैथी के बारे में बताना है तो उसको क्या करना है, अपने जो आयुर्वेदा के प्रिंसिपल है वो मॉडर्न इरा के अकॉर्डिंग, मॉडर्न टूल्स के अकॉर्डिंग कैसे आप वैलिडेट करते हो उसके लिए आपको रिसर्च की जरूरत है। दूसरा, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स थ्रू एंशियंट विजडम। आपके पास एंशियंटली बहुत कुछ बता के गए आचार्य, लेकिन क्या कोरोना है, जैसे हम बात करते हैं कोविड 19 की, तो कोविड 19 के नाम से क्या कोई व्याधि वो बता के गए? नहीं बता के गए, ये एक नई ही व्याधि है, लेकिन हम उसको आयुर्वेद में किस तरीके से समझ सकते हैं, कैसे उसको दोष, कौन से दोष के प्रकोप से कोरिलेट कर सकते हैं, तो अपनी जो एंशियंट जो विजडम है उससे नए एलिमेंट्स, नई जो व्याधियां या नई जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसको कैसे हमें सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करना है वो भी हमें कौन बताएगी? रिसर्च बताएगी। इसीलिए हमें आयुर्वेदा में रिसर्च की जरूरत है। टू फाइंड आउट द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इन प्रेजेंट इरा और टू आंसर द मॉडर्न माइंड इन लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड। आपको पता है जो भी कोई आप जैसे अगर हम बात करें कोर्ट में, आप कोई भी केस चल रहा है, अगर कोर्ट में कोई भी अच्छा पर्सन है जो वो सच बोल रहा है लेकिन उस सच के लिए वो प्रूफ मांगते हैं, बेशक वो कितना ही अच्छा है वो प्रूफ मांगेंगे उस चीज का। तो हमारे आयुर्वेद में जो भी हमारे चाहे प्रिंसिपल कितने भी वैलिडेट, कितने भी आप्त हैं, वो बिल्कुल आप्तोपदेश है, वो पूरे आप्त लोगों ने उसको बताया है, लेकिन उसके लिए हमें क्या एक उसका प्रूफ देना पड़ता है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमें रिसर्च की जरूरत है। और टू स्टैंडर्डाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और टू जनरेट द एविडेंसेस ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं उसकी सेफ्टी एफिकेसी कितनी है उसको भी जनरेट, उसके लिए एविडेंसेस होने चाहिए। और टू एड नॉलेज इन फील्ड ऑफ ड्रग, क्लिनिकल जो भी मैनिफेस्टेशन है या ट्रीटमेंट मॉडेलिटी है उनको थोड़ा और क्या करना है, उनमें न्यू नॉलेज को एड करना, इसके लिए हमें रिसर्च की जरूरत है आयुर्वेदा में। ये ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम में रिसर्च नहीं थी, उसके भी एविडेंसेज हैं हमारे पास। कैसे एविडेंसेज हैं? एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, जैसे कि जो चरक संहिता है उसमें आप देखोगे कि संभाषा परिषद जो हुई है, जैसे सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में है, फिर 12वें अध्याय में वात कला कली अध्याय में है, उसके बाद 25th नंबर चैप्टर में सूत्र स्थान में, फिर 26th नंबर चैप्टर में है, फिर उसके बाद शरीर स्थान में दो संभाषाएं हैं, फिर हमारा सिद्धि स्थान है उसमें एक संभाषा। तो ये संभाषा परिषद जो हो रही है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये भी एक तरीके का रिसर्च ही है जो पुराने टाइम में होता था। या उसके अलावा जो भी अग्निवेश है, जैसे वो अपने गुरु से क्वेश्चनिंग करते थे, तो उन जो क्वेश्चनिंग है उनमें किसी चीज को इवेल्युएट करना, जैसे कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो पुरुष है और व्याधि है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, रस कितने प्रकार के होते हैं, या फिर जब बेबी का बर्थ होता है, फीटस जो है वो डेवलप हो रहा है तो कौन से अंग की उत्पत्ति पहले, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई। तो वो सब क्या है, रिसर्च के एविडेंसेज है आयुर्वेदा में पहले भी। जैसे ही आप बृहत्त्रयी में भी देखोगे, सबसे पहले चरक संहिता को पढ़ते हो, उसके बाद जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ते हो तो चरक में जो लिखा है उससे बहुत चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, जैसे यंत्र है, शस्त्र बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, सर्जिकल प्रोसीजर है उन्होंने बताए हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंट हो रही है साइंस की आगे से आगे। फिर वाग्भट संहिता में देखोगे तो कुछ और नई चीजें ऐड होती हैं। फिर अगर आप रसशास्त्र की बात करोगे तो नागार्जुन ने और चीजों के रस औषधियां हैं उनके किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, कैसे यूजफुल उनको बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट हुई है साइंस की। तो ये ऐसे ही नहीं होती, उसमें रिसर्च होगी, हुई होगी तभी उसकी डेवलपमेंट होती है। और ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ द टेक्स्ट एंड इंक्लूजन ऑफ द न्यू ड्रग्स, न्यू डिजीजेस, फूड आर्टिकल जो नए ऐड हुए हैं, ड्रग्स भी, डिजीजेस भी जो नई ऐड हुई हैं, जैसे चरकाचार्य ने कुछ डिजीज हैं जो वर्णन ही नहीं की लेकिन सुश्रुत ने उनका अलग से वर्णन किया, तो शुद्र रोग हैं, जैसे चरक ने ऐसे अलग से कहीं वर्णन नहीं किया लेकिन सुश्रुत ने उनका वर्णन किया, फिर वाग्भट ने अलग बताए हैं, शारंगधर ने अलग बताए। तो ये क्या है, रिसर्च के थ्रू ही हुआ ना। तो ये देयर आर फ्यू एविडेंसेस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा वी डिस्कस इन दिस वीडियो, बाकी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो आप अपनी तरफ से भी ऐड या समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। थैंक यू।